जो भाई आईटीका के कट्टर फैन है भाई वो भी इस वीडियो से दूर रहे क्योंकि उनको काफी बुरा लगने वाला है। इवेंट भाई फर्स्ट रो के अंदर, सेकंड रो के अंदर और थर्ड रो के अंदर, तीनों रो में आपको जो है भाई एसी वेंट यहाँ मिल रहे हैं। लो भाई मैं हूँ मोहम्मद आजम, भाई ऐसी गाड़ी आपके लिए लेकर आया हूँ किया कैरेंस, यहाँ देखने लिया हमें मिल रही है। प्रीमियम वाला वेरिएंट है, बिल्कुल बेस वेरिएंट। लेकिन भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक बात जरूर बता दूं भाई, जो कमजोर दिल वाले हैं वो इस वीडियो को ना सुने। जो भाई आर्टिगा के कट्टर फैन है भाई वो भी इस वीडियो से दूर रहे क्योंकि उनको काफी बुरा लगने वाला है, क्योंकि किया ने भाई गाड़ी ऐसी बना दी। अगर आपके अंदर दिल है जिगरा तो वीडियो पूरी देखते रहना। सबसे पहले फ्रंट से प्रोफाइल देख लो भाई, किया कैरेंस बेस वेरिएंट हमें मिल रहा है। एक 7 सीटर, एक एमपीवी व्हीकल के अंदर हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ 7 सीटर लगता है अर्टिगा को कॉम्पैक्ट करती है गाड़ी। साइज वाइज देखोगे आप अर्टिगा से काफ़ी बड़ी यहाँ देखने मिल जाती है। किया कैरेंस प्रीमियम वाला वेरिएंट है, बिल्कुल बेस वेरिएंट, इससे ऊपर इसमें आपको कोई भी वेरिएंट देखने के लिए नहीं मिलता। इस टाइम भाई हम खड़े हैं अपने ग्लोबल के अमरादाद के अंदर, जो आपको दहली रोड पर पड़ जाता है। यहाँ के डीलरशिप के नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप उनको कॉल करके और भी इंक्वायरी वगैरह ले सकते हैं। सबसे पहले भाई साइड प्रोफाइल मैंने आपको दिखाई दी है, की बात कर लूँ भाई देखो बेस वेरिएंट में कंपनी कुछ ऐसी की दे रही है। अर्टिगा की बात करूँ जो हमारा इसमें फीचर्स यहाँ देखने मिल रहे हैं वो अर्टिगा के हमें BXI वेरिएंट में देखने के मिलते हैं। समथिंग भाई को कॉस्ट करता है हमारी 10-10.5 लाख का, बट अर्टिगा को भाई कच्चा जमाने के लिए काफ़ी गाड़ी काफ़ी है, इसका नाम ही काफ़ी है। जहाँ हमारा ये लोगो जुड़ जाता है भाई, एक जो कोरियन ब्रांड यहाँ जुड़ कर आता है, तो भाई एक जो दिल से एक निकलती है कि हाँ हमारी बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिल रही है, प्रीमियम लुक के साथ में आ रही है। फिर प्रीमियम वेरिएंट देखो, प्रीमियम वेरिएंट लुक भी भाई प्रीमियम है। इसका अगर आप वाइट कलर देखोगे तो ये काफ़ी प्रीमियम वाला वाइट निकल जाता है। अर्टिगा का कलर देखोगे उसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस हमें देखने नहीं मिल जाता। प्राइस की बात कर लेता हूँ भाई, सबसे पहले जो गाड़ी का एक्सोरूम कॉस्ट यहाँ पड़ेगा हमें 10,51,000 का भाई इसका एक्सोरूम कटेगा, जो ऑन रोड निकल आएगा 12,20,000 का हमें ऑन रोड पड़ेगा अपने मुरादाबाद से। बाकी देखो भाई एक्सोरूम हर कहीं का सेम रहता है, जो ऑन रोड में चेंजेस होनी है वो होनी हो जाती है। अब बात करूँ तो भाई इसमें आपको नॉर्मल सी जो लाइट का वो देखने मिल जाता है, रिफ्लेक्टर बेस, बट इसमें आपको DRL देसी नहीं मिलेगी। नीचे बात करूँ हेलोजन लाइट आ रही है, लो बीम हाई बीम एक ही के अंदर पार्किंग लाइट। बट जो प्रीमियम जो भाई ये पियानो ब्लैक का कॉम्बिनेशन कंपनी ने अपने बेस वेरिएंट से कर रखा है, काफ़ी प्रीमियम बल्कि लुक निकल का था उसी के साथ। मगर नीचे आप बम्पर पे देखोगे तो भाई बम्पर पे भी कैरेंस के जो नंबर प्लेट के साइड में अगर आप ये जगह देखना चाहोगे तो इस पर वाइट कलर दे रखा है भाई। ग्राउंड क्लियरेंस अर्टिगा से हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। उसी के साथ में आप साइड में पढ़ता हूँ, फेंडर पे इंडिकेटर बेसक आ रहा है, बट अंदर जो फीचर्स इसमें आपको दिखाऊंगा भाई अर्टिगा के बस की नहीं है, जो 2030 में ही वो फीचर्स ले आए जो हमारी किया 2024 के अंदर यहाँ लेकर आई है। टायर की ओर बढ़ता हूँ, MRF का इसमें टायर देखने लिए मिल रहा है, जिसकी प्रोफाइल हमें यहाँ देखने लिए मिलेगी 205/65R 16 इंच का टायर देखने लिए ओवरऑल मिल पा रहा है। पूरी गाड़ी पे भाई क्लेडिंग यहाँ देखने लिए मिल जाती है, जो गाड़ी हमारी गलने से बचती है, कंपनी का इतना अच्छा कहना होता है। अब जैसे रियर में बढ़ता हूँ तो रियर से तो भाई अर्टिगा के दीवाने दूर ही हो जाएं वीडियो से, क्योंकि अर्टिगा के बस की नहीं है इतना प्रीमियम लुक देना। आप साइड प्रोफाइल देखो भाई, जो रियर से लुक निकल आ रहे हैं गाड़ी के, इतने प्रीमियम लुक निकल आते हैं। पूरी रियर से भाई कनेक्टिंग टेल लाइट आती है देखने नहीं, बट इतना वर्क जो करती है इतना पीस आपको, बाकी ये आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड मिलेगा क्योंकि हमारा बेस वेरिएंट है। यहीं पर अगर टॉप वेरिएंट की ओर बढ़ोगे तो उसमें आपको पूरी कनेक्टिंग मिलती है, बट बेस में आपको इतना ही मिलता है, ये आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड मिलती है। आगे चल के इंडिकेटर नॉर्मल सा हेलोजन बल्ब आएगा, रिवर्स आएगा, रियल लाइट जो मिलेगी आपको LED के साथ में आती है। उसी के नीचे बढ़ो भाई, रिफ्लेक्टर बेस्ड मिल जाता है, 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। रियर में स्पोर्टी स्क्रिप्ट प्लेट नहीं आएगी, बट बॉडी कलर्ड बम्पर यहाँ देखने नहीं हमें जरूर से मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस देखो भाई, अर्टिगा के बस की नहीं है इतना ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ देना, बाकी कोई भी वाइपर डिपोगर नहीं आएगा, बट हाई स्पीड माउंट आएगा, ऊपर आपको नॉर्मल ही एंटीना देखने नहीं मिल जाएगा। बूट खोलने की बात करूँ, यहाँ पर आपको सेंसर मिल जाता है बूट खोलने के लिए, ये भी काफ़ी अच्छा यूनिक फीचर है। बेशक सेंटर लॉकिंग नहीं है, बट इतने फीचर्स हमें जरूर से मिल रहे हैं देखने के लिए। अब भाई अगर आप यहाँ देखोगे, एक 7 सीटर गाड़ी हमें देखने के लिए मिल रही है, तो यहाँ आप देखोगे 60-40 स्पीड सीट मिल रही है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट बताओ थर्ड रो में मिल रहे हैं अपने बेस वेरिएंट्स, अगर हम देखें तो किया के अंदर बिल्कुल बेस वेरिएंट में आपको मिल रहे हैं। इस सीट को बस भाई आपको फोल्ड कर देना और स्पेस दिखा दूँ मैं आपको, अर्टिगा से कितना ज़्यादा मिल जाता है अगर आप सोचोगे कि हमारी एक 5 सीटर गाड़ी मिल रही है, तो भी उस हिसाब से भाई वो सीट अभी आगे करनी पड़ेगी। उस हिसाब से अगर स्पेस वाइज आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा बूट जो यहाँ देखने नहीं हमें मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, अपनी किया जो निकाल कर हमारी दे रही है कैरेंस के अंदर। सीट की बात करूँ भाई, पीछे करने के लिए करना कुछ नहीं है, कंपनी यहाँ बद्दी देती है, बस इस बद्दी को खींच देना है, जितनी आपके अंदर जाना है सीट जो हमारी पीछे आ जाती है, दोनों साइड की बद्दी आपको पीछे कर देनी है, और इसको आप डंबल वगैरह कर सकते हैं, आपको कितनी ज़्यादा झुकानी है जिस एंगल में आपको बैठना है उस एंगल में आप इसको झुका सकते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो हमें थर्ड रो के अंदर भी यहाँ देखने नहीं मिल रहे हैं किया की इस अपनी बेहतरीन गाड़ी के अंदर, और कंपनी के बस की नहीं है भाई ये चीज़ देना जो अपनी किया निकाल के दे रही है। अब अंदर से और दिखाता हूँ, अंदर से हमें क्या क्या देखने नहीं मिल रहा है अपने बेस वेरियंट से ही।
इंजन भी भाई अर्टिगा से ज़्यादा पावरफुल देखने नहीं मिल जाता है। यहाँ बात करोगे तो इसमें आपको भाई यहाँ आप देखोगे तो स्टेचिंग कितनी बढ़िया कर रखी है, बट कोई भी सॉफ्ट टच देखने नहीं नहीं मिलेगा। बट जो स्टेचिंग कंपनी ने कर रही है काफ़ी अच्छा यहाँ मिल जाता है। चारों पावर विंडो मिलती हैं, लॉक अनलॉक यहाँ देखने नहीं इसमें मिल जाता है। ये देखोगे सिल्वर का फिनिश निकल गया था भाई। कोई भाई कह देगा देखो की भी यहाँ ही रखी है भाई, की अगर मैं यहाँ रख कर आपको दिखाऊं कोई कह देगा बेस वेरिएंट का डोर है, बिल्कुल बेस जो स्टार्टिंग वेरिएंट है उसका इतना प्रीमियम डोर निकल गा रहा है। तो भाई अल्टी का बच्चा है इसके सामने। यहाँ और देखो नीचे तो तीन का फोल्डर मिल रहा है। शीशे जो आपको साइड के खुंटी से ही एडजस्टेबल करनी है काफ़ी, चलो ठीक है इस प्राइस पॉइंट में आपको मिल पा रहा है। यहाँ बात करूँ इसमें आपको सीट जो मिलेगी इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसको झुका वगैरह सकते हैं, बाकी उठा वगैरह नहीं सकते हाइट के थ्रू जो एडजस्टेबल जिसको हम नॉर्मल सी लैंग्वेज में बोलते हैं। अब भाई दिल तो ज़रूर सा थाम के बैठना, जो अंदर से इसमें मैं चीज़ दिखाऊंगा भाई अर्टिगा के बस की नहीं है वो चीज़ देना, जो यहाँ पर अपनी किया अपनी करे पड़ी है। इसको जैसे भाई यहाँ लगाता हूँ ये चीज़ आप चेक करना भाई, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा भाई बेस वेरिएंट में, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बताओ देखो अर्टिगा में आ जाएगा भाई इतना प्रीमियम मीटर। किया को भाई मतलब नहीं है कि मैं बेस वेरिएंट बेच रही हूँ या टॉप वेरिएंट बेच रही हूँ, आप ये चीज़ चेक करोगे इतना प्रीमियम सा यहाँ मीटर हमें देखने नहीं मिल जाता। पूरा आपको डिजिटल मिल रहा है, जो क्रेटा भाई आज के टाइम में निकाल के ला रही है वो हमारी कैनन्स में बेस वेरिएंट में मिल रहा है। कंट्रोल्स आपको स्टेयरिंग पे देखने नहीं मिल रहे हैं, बेस वेरिएंट के क्या क्या आपको देखने नहीं मिल रही है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ओवरऑल स्टेयरिंग पे बात करूँ यहाँ आपको ग्रे का कॉम्बिनेशन मिलता है, दो एयर बैग जरूर से मिल जाते हैं ड्राइवर साइड गो पैसेंजर साइड। बाकी एसी की बात करूँ मैनुअल एसी मिलेगा, कोई भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी नहीं आएगा देखने के लिए। बाकी भाई अगर आप यहाँ चेक करोगे बेसक से म्यूजिक सिस्टम नहीं मिल पा रहा है, बट भाई इतने फीचर्स के सामने ये चीज नहीं चाहिए हमें, कंपनी नहीं दे रही कोई बात नहीं, बट भाई चीज चेक करो कंपनी ने क्या बना दिया। दूसरी चीज और मैं आपको दिखाता हूँ इस चीज को हटा के, सिक्स मैनुअल ट्रांसमिशन रिवर्स लगा के भाई सात गियर यहाँ देखने नहीं मिल रहे। और ये चीज चेक करो बेस वेरिएंट में आपको पंच करके ही रिवर्स जो है लगाना है। पार्किंग सेंसर जरूर से यहाँ देखने के लिए हमें मिल रहा है, बट कैमरा वगैरह नहीं आएगा एक, चलो कोई बात नहीं कंपनी नहीं दे रही मत देने दो। नीचे आपको भाई मैनुअल देखने के लिए मिल रहा है, जो हमारा मैनुअल ट्रांसमिशन है कंपनी ने पहले करा था, हमारा IMT निकलता था बट अब आपको मैनुअल ही मिल रहा है। और तो और बेस वेरिएंट में सेफ्टी की बात करूं ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ मिल रहा है, सीट बेल्ट रिमाइंडर यहाँ मिल जाता है, डिस्क ब्रेक आपको मिल जाते हैं, ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ मिल जाते हैं। तो भाई इतना बढ़िया ऑप्शन किया ना अपना लॉन्च कर रखा, आंखें मीच के गाड़ी पकड़ लो कोई बुरी नहीं है। इधर बात करोगे तो आपको अभी और चीजें समझते रहना क्या क्या दिखाऊंगा। इतना स्पेस यहाँ मिल रहा है, दो का फोल्डर टाइप सी का पोर्ट मिल रहा है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, 180 वाट तक आप इसमें कुछ भी लोड डाल सकते हैं। तो यहाँ चार्जर नहीं है, अभी आप मेरे अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट अगर आप मेरा प्रोमो कोड मोहम्मद आजम एक्स यूज करते हैं तब। बाकी ओवरऑल यहाँ बात करूँ तो इसमें आपको मिलते हैं लाइट के सेटअप मिल जाता है, लाइट ऑन ऑफ आप यहीं से कर सकते हैं। इधर जो टिकट होल्डर आएगा नॉर्मल, इधर आपको कुछ नहीं आएगा, सन ग्लास होल्डर यहाँ मिल जाएगा। ऑटो में IRBM देखने नहीं मिल जाता। और अब पीछे ले चलता हूँ, पीछे हमें क्या क्या देखने नहीं मिल रहा है बेस वेरियंट से ही। जैसी भाई निकाल के गाड़ी की लेके चलता हूँ मैं आपको, देखो सबसे पहले मैं इसका डोर खोलता हूँ, सेकंड होगा जो इसमें आपको डोर देखने नहीं मिलेगा कुछ, इतना बड़ा यहाँ डोर हमें कंपनी की तरफ से ओवरऑल देखने नहीं मिल जाता है। ये भी आपको पावर विंडो के साथ में आता है, जो चारों पावर विंडो कंपनी की तरफ से यहाँ दी गई हैं। बट कंपनी ने भाई कर्टन्स जो अपने जरूर से अब कम कर दिए, पहले भाई बेस में कर्टन्स आते थे बट अब कंपनी ने कर्टन्स कम कर दिए। यहाँ आपको मिल जाता है इसमें सिल्वर का पॉइंट आप देखोगे, बट सॉफ्ट टच का मटेरियल नहीं है। स्पीकर यहाँ मिल जाता है, जगह मिलती है बट स्पीकर नहीं आएगा, थोड़ा स्पेस यहाँ मिल जाता है। सेकंड रूम भाई उधर से चलता हूँ, वही सीट आपको पीछे लेके जाएगी, उसी से हम पीछे आराम से जो है वो जा सकते हैं। जैसे मैं डोर बंद करता हूँ भाई, लुक चेक करोगे तो गाड़ी के एक नंबर लुक यहाँ निकल कर आ रहे हैं अपनी किया की। इतना वैल्यू फॉर मनी वेरियंट जो है मैं देखने नहीं पड़ रहा इस प्राइस पॉइंट के अंदर मैं बात करूँ तो। अब जैसे भाई मैं पीछे लेके चलता हूँ, लेकिन आपको बस करना कुछ नहीं है, एक चीज़ और चेक करना ये चीज़ भाई, ये देखो बस ये लीवर जो है हमें बस ये प्रेस करना, पूरा इलेक्ट्रिक जो है डंबल हमें देखने लिए जो है सीट यहाँ मिल जाती है, आपको यहाँ रोकनी है। और अब पीछे लेके चलूँ मैं आपको थर्ड रो से दिखाता हूँ इसमें स्पेस कितना और क्या क्या देखने लिए मिल रहा है। जैसे भाई मैं थर्ड रो के अंदर से आ चुका हूँ, स्पेस चेक करवाऊंगा भाई थर्ड रो में हमें कितना मिल रहा है अर्टिगा के सामने। मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है, यहाँ आप देखोगे तो लेग रूम से भाई कोई भी शिकायत नहीं है, आराम से जो अपनी टांगे में रखने के बाद मुझे इतना स्पेस मिल पा रहा है। मेरी हेड रूम देखोगे तो जैसे मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है भाई, हेड रेस्ट यहाँ कंपनी ने दे रखा तो काफी स्पेस जो मुझे यहाँ मिल पा रहा है। उसी के साथ में आप यहाँ देखोगे तो इसी वेंट यहाँ मिल रहा है भाई थर्ड रो के अंदर। बताओ अपने मुंह पर हवा देनी है, इधर को ये करके ऐसे बैठ जाओ, बड़ा मुंह बिल्कुल ठंडा ठंडा रहेगा। यहाँ आप देखोगे रूफ में लाइट भी हमें मिल रही है, पीछे की रूम में भी एडजस्टेबल हेड रेस्ट यहाँ है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। बिल्कुल बेस वेरियंट की बात कर रहा हूँ भाई, इससे ऊपर वाले वेरियंट में बात करोगे तो आपको कर्टन्स मिल जाते हैं, या आपको इलेक्ट्रिक जो है सीट मिल जाती है, जो आपको फोल्ड करनी है वो आपको इलेक्ट्रिक ही देखने के लिए इसमें मिलती है। अब जैसे भाई अंदर बैठते हैं देखो गाड़ी में,
जैसे मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सीट मैंने कुछ ज्यादा नहीं छेड़ी, पीछे ही मैंने बैठ के दिखा दिया। यहाँ देखोगे तो लेग रूम भाई काफी मिल पा रहा है, मुझे देखने ही नहीं है। अब जैसे मैं हेड रूम और दिखाता हूँ आपको, हेड रूम भी देखोगे तो काफी जो है मुझे मिल पा रहा है मेरी हाइट के हिसाब से भाई, बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट में क्या का लग पा रहा है। उसी के साथ में दो टाइप सी के पोर्ट यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ से आप फैन कम ज्यादा कर सकते हैं। 4 पॉइंट यहाँ मिल रहे हैं एसी वेंट भाई, फर्स्ट रो के अंदर, सेकंड रो के अंदर और थर्ड रो के अंदर, तीनों रो में आपको जो है भाई एसी वेंट यहाँ मिल रहे हैं भाई। मैं बोकला सा गया, कंपनी ने भाई इतने ज्यादा फीचर्स दे दिए। एडजस्टेबल हेड रेस्ट आपको तीनों रो के अंदर यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं किया की गाड़ी में। बाकी ओवरऑल भाई लुक चेक करो गाड़ी के, काफी प्रीमियम लुक के साथ में आती है। और यहाँ इंजन की बात करूँ तो भाई 1462 cc 1.5 लीटर का पेट्रोल नेचुरल स्पीडेड इंजन भी देखने नहीं मिलता, हमें डीजल इंजन भी देखने नहीं मिल जाता। अगर आपको विजिट करके आप यहाँ पर अच्छा सा डिस्काउंट मिलेगा, आप मेरा नाम से भी आओगे कि ग्लोबल क्या हम हमारे नाम से आए हो। बाकी ओवरऑल गाड़ी के लुक वगैरह मैंने आपको दिखाई दिए हैं, बाकी आप विजिट कर सकते हैं ग्लोबल की आप, यहाँ के डीलरशिप के नंबर आपको मिले जाएंगे। तो यही था भाई इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करके आना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।